कनाडा में प्लस टू के बाद पढ़ाई करना आना चाहते हो तो ऐसे कौन से अच्छे कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्सेज जिनका सैलरी बहुत अच्छा है, मतलब पैकेज बहुत अच्छा है, जिनकी जॉब प्रोफाइल, जॉब बैकग्राउंड, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत स्ट्रांग है कि आपको किसी भी प्रोविंस में, किसी भी सिटी में जॉब मिल सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे कोर्सेज जो आपको PR लेने में, दिलवाने में हेल्प करेंगे कि आप विद इन 6 months to 1 year कनाडा में पक्के हो सकते हो एंड अपना करियर, अपने जो सपने हैं उसको फुलफिल कर सकते हो। तो ये जानने के लिए हियर्स द वीडियो गाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है, 100K जल्दी जल्दी होने वाले। एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहली जो कोर्स है गाइस दैट इज ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। अब ई कॉमर्स का जो कोर्स है ना उसमें आप कॉमर्स बैकग्राउंड के अगर स्टूडेंट्स हो देन आपको बेनिफिट मिल जाएगी। नहीं भी हो तब भी यू लर्न कॉमर्स अलॉट, यू लर्न अकाउंटिंग अलॉट, यू लर्न मनी मैनेजमेंट अलॉट एंड साथ ही साथ आपको मॉडर्न वर्ल्ड का जो टेक है, डिजिटलाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा विच इज़ इन वेरी मच डिमांड। एंड अगले 3 से 4 साल जब तक AI कंप्लीटली टेक ओवर नहीं कर लेती, मैन पावर की डिमांड है गाइस। तो ये कोर्स आपको हर प्रोविंस में बेनिफिट देगा, कनाडा में हर एक सिटी में बेनिफिट देगा। ये एक 2 साल का कोर्स है बट अगर आप ये कोर्स किसी भी DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो देन आपको 3 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा विच विल वेरी इजीली ग्रांट यू अ PR हियर इन कनाडा। $14,000 पर ईयर, $7,000 पर सेमेस्टर, 4 महीने के लिए आप $7,000 पे करते हो। 2 साल का कोर्स है, $28,000, टैक्स वगैरह अलग से जोड़ लेना। तो ये बेसिक है एंड दैट इज आवर फर्स्ट कोर्स गाइस, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। हाई एंड गाइस हमारा जो सेकंड कोर्स है विच इज ऑडियो एंड वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन। ये कोर्स प्लस टू वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एंड आपको पैसा कमा के देगी। इसी के लिए तो आ रहे हो ना कनाडा, PR एंड पैसे के लिए आ रहे हो। कुछ पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं बट कीप देम असाइड। पैसे कमाना चाहते हो तो भाई ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जाओ बिकॉज अभी AI इज टेकिंग ओवर बट स्टिल वी नीड मैन पावर फॉर द फील्ड ऑफ सेल्स, फॉर द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, प्रमोशंस, कैंपेनिंग, गोइंग डोर टू डोर, ठीक है। तो आपका ये कोर्स हर एक प्रोविंस में, हर एक सिटी में, इवन ग्लोबली आउटसाइड कनाडा, अगर आप US जाना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, UK जाना चाहते हो, हर एक कंट्री में डिमांड में रहेगी। $16,000 पर ईयर का इसका ट्यूशन फीस है, 2 semesters $8,000, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बेनिफिट जो इस कोर्स में है, ये आपको कोई भी DLI इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगी, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है, मार्केटिंग कोर्सेज, कैंपेनिंग कोर्सेज, सेल्स कोर्सेज, ठीक है, मेनली ऑडियो एंड वीडियो में आपको जाना है। तो इसमें आप $4,000 तक की स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो इफ़ यू थिंक यू एलिजिबल एंड अगर आपका प्लस टू का मार्क्स कॉमर्स बैकग्राउंड में या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में बहुत अच्छा है। एंड अगर आपके पास मैथ्स है देन इट्स ईजियर फॉर यू टू अप्लाई बिकॉज दिस कोर्स डिमांड सम कैलकुलेशंस बिकॉज डेटाज आपको शीट्स पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू फिगर आउट विच मार्केटिंग कैंपेन इज गुड फॉर द कंपनी और फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। सो अगर आपके पास मैथ्स है प्लस टू में इट्स win-win option for you। Our next course is digital marketing course guys। हर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस होता है जो वो सेल करना चाहता है। पोस्ट कोविड ये जो सदमा लगा था ना लोगों को, मार्केट को, इकोनॉमी को, सब ऑनलाइन चले गए हैं एंड अभी ऑनलाइन फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द बेटर यू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, द बेटर मार्केटर यू आर ओवर द ऑनलाइन वर्ल्ड, यू विल अर्न मोर एंड मोर मनी एंड ये एक स्किल बेस्ड जॉब एंड स्किल बेस्ड जॉब का जो सबसे अच्छी क्या बोलते हैं क्वालिटी होती है ना, आपका जो सैलरी ग्राफ है वो लीनियर नहीं जाता, वो जे कर्व में जाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर $25,000, सेकेंड ईयर $50,000, $75,000, $100,000, $120,000, $150K, ऐसे करके बढ़ता रहता है। नॉट अ लीनियर ग्रोथ बट अ जे कर्व ग्रोथ विच विल हेल्प यू रीच टू द पिनिकल ऑफ योर करियर। पिनिकल में जाके आप बहुत कुछ, अपना बिजनेस, अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हो। एक बार यूट्यूब में सर्च करके देखना कि डिजिटल मार्केटर्स हुआ मिलीनियर्स गाइस। इमान गाजी वन ऑफ द डिजिटल मिलीनियर्स हैं, 16 साल की उम्र में वो मिलीनियर बन गया था। कनाडा में हर एक सिटी में, हर एक प्रोविंस में आपको ओवर $50,000 का ईयरली जॉब मिल जाएगा एज अ फ्रेशर। एंड इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिजिटल, इफ यू गोइंग फॉर अ DLI अप्रूव्ड कॉलेज एंड आप एलिजिबल हो। एंड कंपेरेटिवली बाकी जो दो कोर्सेज मैंने बताए उससे ये वाली सस्ती है, $10,000 to $11,000 ईयरली में आपको मिल जाएगा, $5,000 to $6,000 पर सेमेस्टर। 2 साल का कोर्स है इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ DLI अप्रूव्ड कॉलेज जो कि आपको कनाडा कॉलेज में मिल जाएगी या फिर अल्गोमा यूनिवर्सिटी में भी शायद है, ठीक है, वो जिस यूनिवर्सिटी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो एक बार देख लेना पोर्टल में जाके। तो आपको 3 साल का फुल PGWP पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी मिलेगा विच विल मेक श्योर यू गेट द PR वेरी क्विकली। अगर आप Saskatchewan या फिर ऐसे कोई थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोविंस में जाके उनकी PNP लगवाते हो विद इन 6 months आपकी PR हो जाएगी। एंड साथ ही साथ लोग बोलते हैं कि ऐसे प्रोविंसेज में जॉब नहीं होती, PR लगाने क्यों जाऊँगा, भाई डिजिटल मार्केटिंग अगर कर रहे हो हर एक प्रोविंस में, हर एक बैकवर्ड सिटी में आपको जॉब मिल जाएगी बिकॉज स्किल बेस्ड आप रिमोट वर्क भी कर सकते हो विद बिग
कॉर्पोरेशंस, बिग एमएनसीज गाइस, घर बैठे बैठे आप 50 से 60,000 डॉलर साल का कमा सकते। सबको कोडिंग नहीं आती, सब मार्क जकरबर्ग नहीं होते, सब नेक्स्ट फेसबुक नहीं बना सकते, सब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में नहीं जा सकते, सब एथिकल हैकिंग कोडिंग में नहीं जा सकते। सो जो बच्चे कंप्यूटर के दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाना चाहते हैं विदाउट कोडिंग, देन आई हैव अ कोर्स फॉर यू गाइस, कंप्यूटिंग सपोर्ट। वीजा एक्सेप्टेंस रेट कनाडा में, अगर आपने 12th में कॉमर्स किया है या फिर ह्यूमैनिटीज किया है ना, आपको टेंशन हो रही है कि भाई मैं साइंस से नहीं हूँ, मेरे प्लस टू में मैथ्स भी नहीं है, तो मैं कनाडा कैसे जाऊँ, मे बी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी, आई गॉट यू इन दिस गाइस। कंप्यूटर सपोर्ट का कोर्स अप्लाई करो, 2 साल का कोर्स है DLI अप्रूव इंस्टीट्यूट से कर लो। एंड ये भी एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जिसकी ईयरली ट्यूशन फीस का कॉस्ट है $12,000, $6,000 फॉर 4 semesters, आई मीन 4 months, 1 semester, साल में 2 semester, 2 साल में 4 semester, $12,000, $24,000 to $25,000 में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, हर एक कोर्स का एक बेस्ट पार्ट बताऊंगा, इस कोर्स का भी है, दिस कोर्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ PEQ। अगर नहीं पता गूगल करो, फुल फॉर्म जानो, एंड उसमें जो कोर्स भी लाइक जितने भी कोर्सेज हैं जो PEQ में आते हैं उनके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, विच विल मेक श्योर यू गेट द PR सुपर सुपर क्विक, बिकॉज PR के लिए बस एक ही चीज़ मैटर करती है, दैट इज पॉइंट्स। लोगों के पॉइंट्स फुलफिल नहीं होते इसलिए वो प्रोविंस शिफ्ट करते हैं, सिटी शिफ्ट करते हैं या फिर घर वापस आ जाते हैं, बिकॉज डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि PR ही नहीं लग रही, इतने साल का पढ़ाई किया, इतना पैसा लगा, PR नहीं है, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? यू हैव टू मेक श्योर यू गेट द PR, एंड उसके लिए पॉइंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कोर्स विल मेक श्योर यू गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बिकॉज दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ PEQ। गो एंड चेक दैट इन गूगल। कमिंग टू द नेक्स्ट कोर्स गाइस, ये कोर्स बहुतों को पसंद आएगी, विच इज नर्सिंग एंड हेल्थ असिस्टेंट। अब इस कोर्स का जो बेनिफिट है गाइस, अगर आप किसी भी प्रोविंस में मेडिकल सेक्टर में होना, देन आपकी सैलरी सबसे पहले बहुत अच्छी होगी, यू डोंट हैव टू गो फुल टाइम, आप पार्ट टाइम में भी लाइक घंटे का $30 to $35 ईजिली कमाओगे, ठीक है? बोनसेज अलग, फैसिलिटीज अलग, बेसिक जो हम $15-16 कमाते हैं वो आप $30-35 पर घंटे कमाओगे एज अ अनरजिस्टर्ड नर्स, अगर आप कोऑप भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एंड वंस यू गेट अ रजिस्टर्ड नर्स, बीट अ गाय बीट अ गर्ल, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको पेंशन स्कीम्स के लिए भी फैसिलिटीज़ एंड ऑफर्स मिल जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। वन मोर थिंग है, इस प्रोग्राम का जो थोड़ा सा कॉस्टिंग है ना साल का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ $21,000 to $22,000 पर ईयर, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपये एक सेमेस्टर के लिए, 2 साल का प्रोग्राम है, 2 साल भी नहीं, उससे थोड़ा सा कम है, ऑलमोस्ट 1800 to 1900 आवर्स का प्रोग्राम है। अगेन दिस इज़ एलिजिबल फॉर PEQ, मतलब आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल रहा है, आपका पार्ट टाइम जॉब में सैलरी भी ज़्यादा मिल रहा है, आपको वर्क परमिट पे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आप पेंशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल हो रहे हो, हर एक प्रोविंस पे, हर एक सिटी में आपकी जो रेस्पेक्ट लेवल होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज यू आर अ नर्स। एंड द लास्ट बेनिफिट इज गाइस, अगर आपने सुपर मेडिकल नहीं किया हो, अगर आपके प्लस टू में मैथ्स एंड बायो साथ नहीं था, एंड यू आर वरीड कि भाई बस बायो था, एंड दीज कैनेडियन प्रोविंसेस कॉलेजेस रिक्वायर मैथ्स विद बायो, सुपर मेडिकल के बिना नहीं देते नर्सिंग का कोर्स, डोंट वरी, अगेन आई गॉट यू इन दिस। मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, बेसिकली दिस इज द ओनली स्टेट हियर इन कैनेडा, ओनली प्रोविंस हियर इन कैनेडा जो विदाउट सुपर मेडिकल आपको नर्सिंग पढ़ने के लिए अलाउ करेगी। इफ यू आर वरीड दैट यू डोंट हैव मैथ्स विद बायो, गो टू क्यूबेक, लर्न अ बिट ऑफ फ्रेंच, एंड यू कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द कॉलेजेस एंड गेट दिस कोर्स। सेम स्कोप, सेम रेस्पेक्ट, सेम पैकेज, PR के बेनिफिट्स, गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग इज सेम, गो टू क्यूबेक इफ यू डोंट हैव मैथ्स। कमिंग टू अर लास्ट कोर्स गाइस, विच इज़ डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट बहुत टेक्निकल फील्ड है, अगर आपको नंबर्स के साथ या फिर एनालाइजेशन ज़्यादा पसंद नहीं, आपका ऑब्जर्विंग स्किल्स कम है, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, देन डो नॉट कम टू दिस फील्ड, बट दिस फील्ड विल मेक श्योर यू अर्न अ सैलरी ऑफ 1 lakh dollars से तो ज़्यादा ही मिलेगा, 120, 150, 170, इवन आई हैव सीन पीपल हु आर अर्निंग ओवर $2 lakh पर ईयर, करोड़ों में कमा रहे हैं, हर एक प्रोविंस में, हर एक सिटी में, ओवरऑल कनाडा, ओवरऑल US में इसकी डिमांड है, कहीं भी चले जाओ, बिकॉज बिजनेस नीड्स डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट गाइस। तो अगर आप प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगेन $20,000 के आसपास आता है, कोई भी आपको सेनेका कॉलेज हो गया, हम्बर कॉलेज हो गया, जॉर्ज ब्राउन में मिल जाएगा, एक्सपेंसिव कॉलेजेस है, बट अगेन द प्रोग्राम इज रियली रियली हाईली क्वालिफाइड फॉर PR, हाईली क्वालिफाइड फॉर गुड जॉब बैकग्राउंड, सब कुछ का स्कोप आपको अच्छा मिलेगा। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू डू इट और नॉट, इट्स माय ड्यूटी टू शेयर यू द बेस्ट कोर्सेज। ऑल राइट गाइज, दोज वर द 7 courses विच विल फुलफिल 3 ऑफ द कैटेगरीज। नंबर 1, आपको PR बहुत जल्दी दिला देगी, नंबर 2, आपका सैलरी बहुत अच्छा होगा, ऑलमोस्ट $1 lakh या फिर उससे ऊपर का सैलरी मिलेगा एज अ फ्रेशर हियर इन कनाडा, व्हिच इज नॉट बैड, राइट? एंड नंबर 3, आपका जो जॉब प्रोफाइल, जॉब बैकग्राउंड, आपका रेज्यूमे बहुत ही पावरफुल होगा, एंड हर एक प्रोविंस में, हर एक सिटी में आपको इस रिसेशन के टाइम पे जॉब मिल जाएगी, अच्छा खासा सैलरी के साथ, एंड PR बेनिफिट्स भी आपको एडेड मिल रहे हैं इसके साथ, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, सम ऑफ द कोर्सेज फॉल इन PEQ। एंड इस वीडियो को आपको पता ही है क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, एंड कमेंट सेक्शन को एज अ कम्युनिटी ट्वीट करो, हेल्प ईच अदर, हेल्प मी आउट टू गेट मोर नॉलेज, एंड दैट्स इट।
बहुत बातें कर ली. स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी. तभी ऑल मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस.